मैं पिछली बार आया था तो इन्होंने एक वर्मी कंपोस्टिंग का मॉडल मुझे दिखाया, जो मार्केटिंग की बात चेयरमैन साहब कर रहे थे, तो वो इन्होंने बताया कि 1000 गज में मीटर में उनकी आमदनी इससे 9 लाख तक हो जाती है। और उन्होंने अपनी पैकिंग दिखाई, पैकिंग इतनी अच्छी थी कि वर्मी कंपोस्टिंग की पैकिंग मैंने किसी संस्थान की भी नहीं देखी, और उस पर एक तरफ माननीय मोदी जी का फोटो भी लगा हुआ था। उससे क्रेडिबिलिटी वाली बात मार्केटिंग में आती है कि जो इनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए 2015 में माननीय प्रधानमंत्री ने जो दिया था वो भी इन्हें उस पर लगा रखा था। और आज वो समय आ गया है कि वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय होने जा रहा है। तो इनको जो भी इनाम मिले, एक पूसा ने जो हमारी इंस्टीट्यूट थी जहाँ पे मैं 33 साल काम किया, इनको जो है पहले ही लॉट में एक हमने सब शुरू किया था एक इनोवेटिव फार्मर अवार्ड और IRI फार्मर प्रोफेसर, जिसको फेलो फार्मर हम कहते थे, यानी कि फार्मर को जो है हमने प्रोफेसर की पदवी दी थी और पहली बार उसमें शेरगिल साहब का नाम आया था। ये बहुत बधाई के पात्र हैं। और उसके बाद ये इनकी जो यात्रा चली, चाहे उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, राधा मोहन सिंह जी हो, शरद पवार जी हो, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी मंचों पे इनको जो है सम्मानित किया गया। और ये जान के मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिन किसानों से हमारा संपर्क है, अब एक बचा हुआ है, उसके लिए भी हम दुआ करते हैं कि इनको पद्मश्री से और नवाजा जाए। बहुत सारे किसान हैं जो हमारे साथ थे, अभी सुल्तान सिंह हैं जिनको फिश मैन ऑफ इंडिया माना जाता है, एक बेबी कॉर्न ऑफ मैन ऑफ इंडिया कमल सिंह चौहान हैं, उनको पद्मश्री मिला है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इसमें, भारत भूषण त्यागी जी थे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो ये एक ऐसा प्रश्न शुरू हुआ है जो किसानों को जो सम्मानित राष्ट्रीय जो उच्च स्तर के सम्मान है, पहले उत्पादन की हमारा लगता है अब आने वाले, हालांकि ये उस इच्छा से काम नहीं करते, लेकिन साहब ने बड़े ही अच्छे ढंग से कही थी, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, इन्होंने गुजरात का भी जिक्र किया था। वास्तव में यदि किसान की आमदनी बढ़ानी है, पहले हमारा यही होता था, मैं कमल सिंह चौहान के यहाँ 2001 में गया था, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपकी कृपा से इतने मन मतलब 40 किलो का होता है, इतने मन बीघा हो जाता है। अभी जब हम जाते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी कृपा से हमारा टर्नओवर 6 करोड़ हो गया है। किसान की भाषा बदली है, जो किसान इसमें विश्वास करते हैं, एग्रीकल्चर आपने बहुत सही कहा, इसको कल्चर नहीं, एग्रीकल्चर वाज अर्लियर कल्चर ए वे ऑफ लाइफ, जब तक इसको डायनेमिक एंटिटी हम एग्री बिजनेस में नहीं बदलेंगे, हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हम बहुत खुश हो गए कि हमारा इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन आने वाला जो कठिन है, जो आपने भी उसकी चेतावनी दी थी, पंजाब की जो औसत आमदनी है देश में 1 है, 2 हरियाणा की है। और मुझे संतोष होता है इस प्लेटफॉर्म से बोलते हुए कि जम्मू कश्मीर की आमदनी पंजाब हरियाणा के बाद में 3 की है। नीति आयोग का आंकड़ा कहता है कि 77,000 रुपये जो है एवरेज इनकम फार्मर की इंडिया में है, और जो जम्मू कश्मीर की है वो 101,52,000 है, और 1,70,000 या कुछ इन दोनों राज्यों की है। ये आपके कारण हो पाया। यहाँ का किसान की जो मान्यता है कि वो बहुत मेहनती है और खेती में बहुत रुचि लेता है। मैं दिल्ली में पूसा संस्थान में, जो आपने 1121 लगाई होगी, पूसा 44 लगाई होगी, 1509 लगाई होगी, और 2968 जो 67 वैरायटी थी, ये सब आप लगाते हैं, ये सारी पूसा पाथी ऑर्गेनिक पाथी। अब देख के आइए कौन सी भैंस, इसका ट्रेसिंग करिए कहाँ से निकल के आया, कैसे आया। तो लोग गोबर बेच रहे हैं, लोग दांतुन बेच रहे हैं, और हमारा किसान अपना आंवला से जो भी पहाड़ों पे होता है, यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो नहीं बेच पा रहे। तो अभी मुझसे भी ये सवाल पूछा था, मैंने उनको उदाहरण दिया, अभी यहाँ इंटरव्यू लिया था और यहाँ पे भी चेयरमैन साहब ने की कम्युनिटी मार्केट। मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक लाहौल स्पीति है, मैं वहाँ गया 1987 में, मैं शिमला में काम करता था, तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा।
सिर्फ 2 महीने रास्ता खुलता था, अब तो टनल बन गई है मनाली के बाद। मैंने सोचा इतना कठिन रास्ता 2 महीने सिर्फ साल में खुलता है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी होगी। मुझे पता लगा ये सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट है। मैंने पूछा क्या होता है, बोले यहाँ 2 क्रॉप होती है, एक आलू की है, वायरस फ्री होती है इसमें क्योंकि हाइट पे है कोई वायरस नहीं होता, और दूसरी यहाँ मटर की खेती होती है। फिर मैंने पूछा कि ये तो 2 ही महीने रास्ता खुलता है, आप बेचते कैसे हैं? आपका तो बंगाल जाता है, आसाम बता रहे हैं, वहाँ जाता है, यूपी जाता है, वो सीड के रूप में जाता है पोटैटो, खाने के लिए नहीं, सीड के लिए जाता है आलू। बोले हमने लाहौल पोटैटो ग्रोवर्स एसोसिएशन बनाया है, और जब आलू की खुदाई होती है तो 2 महीने हजारों ट्रक उसको जो है मनाली ले जाते हैं, और वहाँ हमारे स्टोर हैं और हमारे पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे हैं, पूरे देश में वो बिजनेस करते हैं। देखिए एक चीज़ से यदि वो अरेंजमेंट नहीं होता तो उनके आलू का क्या होना था। इसी तरह से कर्नाटका और महाराष्ट्र में कमोडिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने बना रखे हैं, महा अनार, महा बनाना, इस तरह के वो सब किसानों की ट्रेनिंग देते हैं, उनको बीज देते हैं, उनको ग्रांट देते हैं, उनकी प्रोसेसिंग सेंटर हैं, और उसको मार्केटिंग में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बदलाव हमें